जय हिंद। मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों का। देखिए, रेवाड़ी में एक भीषण हादसा हो गया है। खड़े टेम्पो में टक्कर मारी गई है। ट्रक ने टक्कर मार दी जिसमें एक व्यक्ति बीच में फंस गया और एक की मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक के बाद एक तीन वाहन आपस में टकरा गए। एक ट्रक ने आगे खड़े टाटा एस टेम्पो में टक्कर मार दी। इसके बाद टेम्पो के कैंटर में जा घुसा जबकि कैंटर आगे खड़े ट्रक में घुस गया। हादसे में टेम्पो सवार एक शख्स की मौत हो गई जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। धरौरा थाना पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए, गुरुग्राम जिले के गांव बोड़ा कला निवासी रोशन लाल अपने कैंटर में गुजरात से माल भरकर दिल्ली के लिए चला था। उनके कैंटर को यूपी निवासी जितेंद्र शर्मा चला रहा था। दिल्ली जयपुर हाईवे पर धरौड़ा थाना एरिया में एक ढाबे के पास पहले से दो गाड़ियों की मामूली टक्कर हो गई थी जिसके चलते वहां जाम सा लग गया था। जाम के कारण कैंटर मालिक रोशन लाल और उनका चालक जितेंद्र दोनों गाड़ी को बंद करके नीचे उतरकर सड़क पर खड़े हो गए थे। इस दौरान उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मारी। इस दौरान जोर से धमाका हुआ। दोनों ने पीछे जाकर देखा तो उनकी गाड़ी के पीछे टाटा एस टेम्पो घुसा हुआ था। टेम्पो में दो लोग फंसे हुए थे जबकि टेम्पो को पीछे से राजस्थान नंबर एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिसकी वजह से टेम्पो आगे पीछे दोनों तरफ से बीच में पूरी तरह फंस गया। साथ ही रोशनलाल का कैंटर भी आगे खड़े एक ट्रक से जा टकराया। हालांकि उनके कैंटर में ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद वहाँ मौजूद लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर जाँच शुरू कर दी है। आज की खबर यहीं तक। फिर मिलेंगे हम इस समय। देखते रहिए हमारे चैनल को।